बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो है ना इंशाल्लाह इनको अभी जो है ना नेस्टिंग देंगे और जो है ना कटोरे लगाएंगे ताकि जो है ना ये इसमें डव जो है ना इसमें ईजिली ब्रीड कर सके। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इनकी ये तैयार कर ली थी, ये इस तरीके से जो है ना ये दाने का कटोरा बड़ा तो और इसमें जो है ना मैंने नेस्टिंग डाल दिए। तो इसमें क्या होता है, ये सही से जो है ना बैठती और अंडे वगैरह देती है, अंडों को जो है ना बाहर गिरने नहीं देती। बाद अगर जो है ना जाल भी लगाते हैं, जो जाली होती है छाय की छन्नी होती है बड़ी वाली, वो भी लगती है, लेकिन ये ज़्यादा जो है ना बेस्ट रहती है। तो वो भी लगा सकते हैं और ये भी जो है ना लगा सकते जो अवेलेबल हो। तो ये बस अवेलेबल था तो मैंने जो है ना ये इंशाल्लाह इनको लगा दूंगा। तो इंशाल्लाह इस पर नेस्टिंग भी हुई है और यहाँ पर जो है ना इंशाल्लाह ये जो ब्रीड कर लेगी। तो सबसे पहले जो है ना ये इसका खोल लेते हैं और ये यहाँ पर ईजीली जो है ना टांगा जाएगा, कोई भी इसमें जो है मसला नहीं होगा। ये यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा। तो यहाँ पर ये लग चुका है तो इंशाल्लाह देखते कब तक जो है ना दोबारा मादी अंडों पर आती है, क्योंकि अभी जो है ना इस पे मादी ने जो है ना अभी अंडे दिए तकरीबन 3-4 दिन हो गए। तो उसके दोनों अंडे जो है ना इधर ही दे दिए, एक अंडा जो है ना इसके अंदर दे दिया था और एक अंडा जो है ना इधर ही दे दिया था जिसका जो है ना होल ये पड़ा हुआ ये रहा। तो ये एक इसका होल पड़ा हुआ, मादी ने इसके अंदर ही देना दे दिया था अंडा और ये मेल जो है ना बाहर आ चुका है, वो बाहर आके वो बैठ गया ऊपर। इस मेल को पकड़ लेते और देखें मादी जो है ना फ़ौरन से जाकर जो है ना इसके अंदर बैठ गई है। इंशाल्लाह भी इसमें थोड़ी बहुत जो है नेस्ट है खुद सेट कर लेगी, अपनी तरतीब से साफ से बराबर कर लेगी और यहाँ पर जो है ना इसको ये इंशाल्लाह अंडे दे देगी। तो नर को जो है ना पकड़ लेते और वापस इसके अंदर डाल देंगे। तो पकड़ेंगे इससे क्योंकि पकड़ा तो जाएगा नहीं, इससे बहुत ज़्यादा वो तेज़ उड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इसको ये तो इसको जो है ना पकड़ लिए तो इसको दोबारा अपने केज में वापस छोड़ देंगे और देखते हैं इंशाल्लाह मादी कब तक जो है ना इसके ब्रीड पर आती है। और यहाँ पर जो है ना चेक करते हैं कि मादी ने कितने बच्चे और हैच कर लिए। पहले देखा तो एक बच्चा हैच हुआ था, अब चेक कर लेते। तो माशाल्लाह से जो है ना आज जो है ना मादी दूसरा बच्चा भी हैच कर लिया, तो दो जो है ना हो गए और बाकी अंडे पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह और मजीद जो है ना हैच कर लेगी। और इस मादी का चेक कर लेते कि इस मादी ने यहाँ पर अंडा दे दिए नहीं दिए, क्या सिचुएशन है। और तो इस मादी में जो है ना अंडा आ चुका है और यहाँ पर एक जो है ना न्यू पेयर लगाया था फेलों का, तो यहाँ पर चेक करते इसकी प्रोग्रेस तो क्या सिचुएशन है। तो ये चेक कर ये पेयर है फीमेल और ये मेल है, तो इसने भी मेरे ख्याल से जो है ना एक अंडा इस मादी ने भी उतार लिया। तो यहाँ पर भी एक अंडा आ चुका है जो है ना फेलो पेयर का। तो इंशाल्लाह देखते हैं वो कितने अंडे देती मजीद। और इस साइड पर जो है ना मादी ने कितने अंडे दिए थे तो ये देख लेते। तो पिछली बार देखते तकरीबन 5 अंडे थे, तो मादी ने जो है ना तकरीबन 5 अंडे दिए हुए, 5 ही ज़्यादा दिए हुए। तो एक 5 तो दिख रहे हैं और जो है 3 मेरे ख्याल मादी के 2 या 3 मादी के नीचे भी हैं। तो माशाल्लाह से जो अब जो है ना मादी ने 8 अंडे दिए हैं, तो फेलो की मादी ने इस बार 8 अंडे दे दिए और इस मादी ने भी 8 अंडे दिए हुए, 2 बच्चे हैच हो गए और बाकी 6 अंडे और मजीद पड़े हुए हैं। और इस साइड पर जो फेलो के पट्ठे निकाले थे और रेड आइस के, तो माशाल्लाह से सारे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है ना एक्टिव हो चुके हैं। ऊपर ये सारे जितने बैठे हुए ये जो है ना रेड आइस है येलो के, और ये फेलो का पैर ये बैठा हुआ है और एक बीच में ये रेड आइस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक्टिव हो गए। और यहाँ पर कुछ जो है ना बजरी कॉलोनी के पट्ठे थे, रेड आइस कॉलोनी का जो दाना है ये थोड़ा कम हो गया, तो उसको जो है ना साफ करके इसके अंदर जो है थोड़ा सा नया दाना ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर नया दाना डाल दिए और ये यहाँ से बंद कर देते और ये इनको रख देते। माशाल्लाह से पट्ठे जो है ना थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए, तो इनका इंशाल्लाह इनको जो है ना कल कॉलोनी से निकाल देंगे। तकरीबन 7 से 8 जो है ना पट्टे बड़े हो गए, तो इनको जो है ना यहाँ पर नीचे शिफ्ट कर देंगे। और इस साइड पर एक जो है ना पेयर था ब्रीडर, तो वो यहाँ से जो है ना चला गया एक दोस्त के पास छोकिंग के पास, उन्होंने जो है ना रिक्वेस्ट की थी मांगा था उन्होंने, तो वो जो है ना ब्रीडर पेयर मैंने उनको दे दिया। तो अल्लाह उनको नसीब करे और उनके पास सही से ब्रीड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी सही ब्रीड करा था और जो है ना चिक्स वगैरह भी जो है ना काफ़ी बड़े हो गए थे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो तो पसंद आएगी, पसंद आएगी वीडियो को आदमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।